हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रितेश। स्वागत करता हूँ मैं आज आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज मेरे सुपुत्र राजवीर सिंह का जन्मदिन है, जिनको जन्मदिन के उपलक्ष्य में चाहिए थी साइकिल, जो कि अभी मात्र 3 साल की हैं, तो साइकिल छोटी होनी चाहिए। साइकिल लिया जा रहा है उनके लिए। आप सब देख सकते हैं साइकिल कसने की तैयारी हो रही है। साइकिल पहुँचेगी अभी थोड़ी देर में राजवीर के पास। राजवीर को कितना पसंद आती है साइकिल, ये उसके एक्सप्रेशन से पता चलेगा। तो भैया, राजवीर जी की साइकिल हो गई तैयार और मम्मी कर रही हैं अब इसका पेमेंट, और अब हम निकलेंगे। साइकिल का उद्घाटन कर रही है हमारी बिटिया रानी रेयांसी। रेयांसी देख रही है कि मेरे भाई की साइकिल परफेक्ट है कि नहीं। हालांकि रेयांसी से अभी इसकी पैडल टच नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी रेयांसी ट्राई कर रही हैं। ये देखिए बाबा का प्यार साइकिल को अपने सर पे ले जाते हुए। आज हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग माँ कामाख्या स्थान का दर्शन करके ही राजवीर का बर्थडे मनाएंगे। तो राजवीर माँ कामाख्या स्थान आ गए हैं अपने मामा के साथ, और देखिए राजवीर का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा हम लोगों से मिलने के बाद। राजवीर बहुत खुश है मुझे देखकर और दौड़ के मेरे गोद में आ गए। देखिए इनकी खुशी, 2 महीने बाद मिलने के बाद इतनी खुशी। अपने दादा दादी और मम्मी पापा को देखकर राजवीर के चेहरे पर जो खुशी है ना, वो वास्तव में देखने लायक है। देखिए कैसे दौड़ दौड़ के लोगों के पास जा रहे हैं। अब देखते हैं साइकिल देखने के बाद राजवीर का क्या एक्सप्रेशन रहता है। तो ये रहा उनका साइकिल। राजवीर ध्यान से अपनी साइकिल की तरफ देखते हुए और काफी खुश हैं, क्योंकि उनके अनुसार ही उनको गिफ्ट मिला। दौड़ते हुए अपने साइकिल के पास पहुंचे राजवीर। काफी खुश हैं राजवीर अपनी साइकिल को पाकर। तो राजवीर करेंगे अपने बाबा से प्यार वाली लड़ाई। आप लोग समझ सकते हैं ये लड़ाई नहीं बल्कि प्यार है। फिर हम लोगों ने अपने सामर्थ्य अनुसार वहां पे कुछ लोगों की मदद राजवीर के हाथों करवाया। फिर हम लोगों ने जगत जननी माँ कामाख्या का दर्शन किया और उसके बाद चल दिए हम लोग राजवीर का बर्थडे मनाने अपने जनकपुर। देख सकते हैं आप, राजवीर बहुत खुश हैं। राजवीर ने अपने पसंद के कुछ खिलौने भी लिए और खुश हैं राजवीर। तो भैया हो गया है अब शाम।
लोगों की मस्ती एक तरफ और भाई बहन की मस्ती एक तरफ, चिल्ला चिल्ली हो रहा है। फोटो सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए छोटी सी साइकिल पे कौन सवार है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बर्थडे सेलिब्रेशन कार्यक्रम हो गया है समाप्त। अब हम सब खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और फिर सुबह अपने घर को निकलेंगे।